न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड। तो न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड निकालने की कोशिश की। जैसे मैं कमरे में बोल रहा हूँ तो आप ये देखना चाहते हो कि साउंड की स्पीड के आपके तक पहुँचने की। तो उसने ये कहा, देखो साउंड अगर एयर में ट्रेवल करती है तो वो क्रेस्टेंट ट्रफ नहीं करती, वो लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेशन रेरिफेक्शन है। और फॉर्मूला उसको भी पता था कि साउंड अगर गैस में ट्रेवल करती है लॉन्गिट्यूडनल तो फॉर्मूला के बाय रू है। तो उसने भी सेम फॉर्मूला लगा दिया, अंडर रूट ऑफ के बाय रू। अब उसने ये अज्यूम किया अगर साउंड यहाँ से वहाँ तक जाती है, रास्ते में एयर के पार्टिकल पास दूर आते हैं, अगर पास आ रहे हैं तो कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो दूर जा रहे हैं एक्सपेंशन हो रहा है, टेम्परेचर कम हो जाता है। पर न्यूटन ने कहा क्योंकि हो तो सराउंडिंग में रहे, अगर मान लो कुछ पार्टिकल गर्म ठंडे हो भी गए तो कोई बात नहीं, वो सराउंडिंग में हीट दे देंगे या सराउंडिंग से हीट ले लेंगे, अपने टेम्परेचर को सराउंडिंग जितना ही रखेंगे, तो उनमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो साउंड जब ट्रेवल करती है, पार्टिकल कंप्रेस और एक्सपैंड हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल इन नेचर है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं है, सबको सराउंडिंग में बंद, कोई बंद कंटेनर तो है नहीं। तो उसने कहा ठीक है हम बल्क मोटर्स निकालते हैं एयर का। अब क्योंकि प्रोसेस आइसोथर्मल है, वैसे तो मैंने थर्मोडाइनमिक्स में करवा रखा है, आइसोथर्मल का बल्क मॉडुलस पी होता है और एडियाबेटिक का गामा पी होता है, अगर आपको याद है। चलो फिर से करना पड़ेगा, कैसे? आइसोथर्मल में एक बल्क मॉडुलस की डेफिनेशन होती क्या है, माइनस चेंज ऑफ प्रेशर अपॉन डीवी बाई वी होती है। फॉर्मूला लिख लिया बल्क मॉडुलस का, आइसोथर्मल की इक्वेशन लिख ली हमने, थर्मो में किया था प्रेशर और वॉल्यूम के डिफ्रेंसिएशन, पी कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम प्लस वी कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ प्रेशर और कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएशन जीरो। ये टर्म राइट साइड पे चली गई, पी रह गया, डीवी नीचे आ गया, तो बल्क मॉडुलस, इस डेफिनेशन को बल्क मॉडुलस बोलते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस पे बल्क मॉडुलस क्या आ गया, प्रेशर आ गया, प्रेशर ऑफ एयर। तो ये याद भी होना चाहिए, थर्मो में हमने किया भी था। तो उसने बल्क मॉडुलस के की जगह क्या पुट कर दिया, एयर का प्रेशर। प्रेशर एयर का उसको पता था 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, डेंसिटी एयर की उसको पता थी, उसने वैल्यूज को पुट किया, आंसर 280 आया, जो कि क्या था, इनकरेक्ट था, उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, सही नहीं है ये। ठीक, इसको ठीक किसने किया, लैपलेस ने। इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपके स्कूल के अंदर डेरिवेशन आने वाली है, डिस्कस लैपलेस करेक्शन, ये आएगा स्कूल में, डिस्कस लैपलेस करेक्शन। लैपलेस ने न्यूटन को कैसे करेक्ट किया, देखो। तो स्कूल लेवल के लिए, तो लैपलेस ने ये कहा कि जब साउंड ट्रेवल करती है तो टेम्परेचर, न्यूटन ने माना कि कांस्टेंट है, लैपलेस ने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इसने प्रोसेस क्या माना, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक में हीट एक्सचेंज नहीं होता। उसने कहा जब साउंड ट्रेवल करती है, पार्टिकल पास और दूर जाते हैं, नो डाउट उनका टेम्परेचर गर्म ठंडा होता है, लेकिन उनके पास क्योंकि साउंड की स्पीड इतनी तेज है कि पार्टिकल के पास इतना समय नहीं है कि वह सराउंडिंग से हीट ले और दे, ताकि टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखे, जितनी देर में तो वो टेम्परेचर सेम करेंगी उतनी देर में तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड ही भाग जाएगी बहुत तेज, साउंड तो पहुंच गई आपके कानों तक, ये पार्टिकल ठंडे गर्म होते रहेंगे, तो हीट एक्सचेंज कर नहीं पाते ड्यूरिंग साउंड की प्रोपगेशन, हो नहीं पाती। तो ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, हीट एक्सचेंज नहीं हो पाया तो प्रोसेस एडियाबैटिक है। तो एडियाबैटिक में बल्क मॉडल पता है क्या होता है, गामा पी। तो एडियाबैटिक की इक्वेशन लिख दें, पेपर में आएगा, ये लिखनी है, ये मत कहना कि हमें याद है गामा पी, मन में याद कर सकते हो, इसका एंड रिजल्ट गामा पी आएगा। तो आपने एडियाबैटिक की इक्वेशन लिखनी है, एडियाबैटिक की इक्वेशन में पी इधर आ गया, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, गामा इंटू वी की पावर गामा माइनस वन इंटू डीवी, और इसकी क्या है, वी की पावर गामा इंटू डीपी इज इक्वल टू जीरो। ठीक, डिफरेंशिएशन कर दी, यू इंटू वी का फॉर्मूला है, एक बार पी कॉन्स्टेंट है, वी की पावर गामा की डिफरेंशिएशन, एक बार वी की पावर गामा कॉन्स्टेंट है और पी की डिफरेंस इक्वल टू जीरो। यहां से वी की पावर गामा से डिवाइड कर दिया दोनों साइड को, यहां से क्या आया, वी की पावर गामा माइनस वन माइनस गामा, पावर सब्ट्रैक्ट हो गई, ये तो कट ही गया, तो गामा गामा कैंसिल, तो ये टर्म आ गई, वी नीचे चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके गामा पी एक तरफ,
डी पी राइट की तरफ माइनस डी पी और ये इसके नीचे, तो ये अपने आप गामा पी आ गया। अगर ये स्टेप्स करते करते भूल भी जाओ, दो चार लिखने के बाद लिख देना हैंस वी हैव प्रूव्ड, ओरली कर लिया अपने मन में, एडियाबेटिक गामा पी होता है। तो उठा के यहाँ पे गामा पी, एयर का गामा उसको पता था 1.41, प्रेशर वही 1 एटमोस्फेरिक पता ही है, 76 सेंटीमीटर मरकरी कॉलम, डेंसिटी सेम है, पुट करके आंसर 332.5 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ये करेक्ट है, स्कूल में आएगा तो ये आपने यहाँ तक प्रूफ करना है, ठीक है।